पूर्व बीजेपी नेता शशिकांत सोनी को भोपाल कोर्ट ने रेप के आरोपों से बरी कर दिया है। बीते दिनों पुलिस ने मामले में भोपाल कोर्ट को जांच सौंपी थी, जिसमें आरोपों को निराधार बताते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। दरअसल एक महिला अर्चना भारती ने शशिकांत पर अपनी कार ले जाकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने और तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन शशिकांत की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। वहीं आरोपों से बरी होने के बाद शशिकांत ने इसे अपने खिलाफ षड्यंत्र बताया। चैट भी फर्जी है सर, चैट भी मेरे खिलाफ फर्जी बनाई गई। उस महिला ने जो अपना घर का एड्रेस लिखाया था रिपोर्ट में, FIR में, वो भी फर्जी झूठा है। वो रहती है रांची में, लिखाया उसने बिलहरी में। फर्जी IT के तरीके जो जो उनने अपना सके, वो सारा जितना मुझको अच्छे से फंसा सकते थे उनने पूरा प्रयास किया, लेकिन न्याय जो है हमको मिला। महिला ने गवाही दी कि मैं इनको जानती नहीं हूँ। अंजू सिंह ठाकुर जी के जो पति हैं शिवराज जी और प्रवीण जी के कहने पे, और कुछ और लोग जो शामिल हैं उनके साथ में, उनके सहयोगी हैं, निगम के कुछ बड़े अधिकारी भी हैं, उनके कहने पे मैंने इनका शशिकांत जी को फंसा। बता दें भोपाल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पूर्व बीजेपी नेता हैं शशिकांत, जो सभी आरोपों से अब बरी हुए हैं। पुलिस ने जो जाँच की उस आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हालांकि बीजेपी नेता का कहना है कि उन्हें सिर्फ फंसाने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है।